इंदौर में रामनवमी के दिन बड़ा हादसा हुआ है। हादसा यहां के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुआ, जहां बावड़ी की छत धंसने से कई लोग बावड़ी में गिर गए। घटना के बाद हाहाकार मच गया। इसकी सूचना मिलने के बाद से रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया है। अभी तक 10 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 9 लोगों के अभी भी बावड़ी में फंसे होने की आशंका है। सीएम शिवराज की माने तो अंदर फंसे लोग भी सुरक्षित हैं और जल्द ही उन्हें निकाल लिया जाएगा। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन भगवान की कृपा से हम सब पूरी ताकत से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। मैं लगातार संपर्क में हूं। अब तक 10 लोग सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं, 9 और सुरक्षित जीवित अभी अंदर हैं जो सुरक्षित हैं, और बाकी के लिए प्रयास लगातार जारी है। मुझे लगता है कि प्रभु राम की कृपा से, भगवान की कृपा से हम लोग जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, सारे संसाधन वहां जुटाए हुए हैं और काम में लगे हैं, और मुझे लगता है कि हम सुरक्षित बाहर निकाल पालने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि 19 लोगों का तो मैंने बताया ही, अभी बाकी के लिए प्रयास जारी है। बाकी अभी तक कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ लोग अभी अंदर है जिनको निकालने के प्रयास जारी है। फिलहाल कुएं में गिरे हुए लोगों को बचाने का काम जारी है। कलेक्टर इलैया राजा, पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के साथ ही सभी बड़े अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज खुद रेस्क्यू अभियान पर नजर बनाए हुए हैं। फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी घटना स्थल पर मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।